नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज आशा ऊषा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों का जो है मुख्यमंत्री ने पंचायत महासम्मेलन रखा था। उस पंचायत महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने काफ़ी बड़े तोहफे आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को दिए हैं। उनके मानदेय में 3 गुना वृद्धि की गई, यानी कि 2000 से सीधा 6000 और हर महीने वृद्धि होगी, यानी कि साल में यानी एक वर्ष में 12000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। और भी कई सौगातें उनको दी गई हैं। रिटायरमेंट पर उनको 1 लाख रुपये दिया जाएगा, 5 लाख तक का चिकित्सा और जो है बीमा कवर किया जाएगा। तो हम जानेंगे, आप देखें सभी और इसको समझें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल में आयोजित आशा ऊषा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आशा ऊषा कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि 3 गुना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसमें वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी, सेवानिवृत्ति के समय रिटायरमेंट फंड दिया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा का ऐलान भी किया गया है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। आप समस्त आशा ऊषा कार्यकर्ता उनके संबंधी देखें और इस पर अपने विचार लिखें, तो आइए जान लेते हैं। लेट्स आज मध्य प्रदेश आशा ऊषा कार्यकर्ता पर्यवेक्षकों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा जान लेते हैं। पहली है कि मासिक मानदेय 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपये किया, मासिक मानदेय में 12000 की वार्षिक वृद्धि की जाएगी, वार्षिक वृद्धि हर साल होगी, इसके लिए कोई अलग से आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। आशा ऊषा कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षकों के सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी कि रिटायर्ड होंगे जब, तो 1 लाख रिटायरमेंट फंड दिया जाएगा और सभी का 5 लाख तक का चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आशा ऊषा और पर्यवेक्षक आशा बहनों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना गंभीर लापरवाही के किसी भी बहन को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। आशा और पर्यवेक्षक आशा बहनों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल की बजाय 62 साल में होगी। आशा ऊषा और पर्यवेक्षक आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। हर आशा ऊषा बहन को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में शामिल किया जाएगा। आशा बहनों के वेतन भुगतान और सत्यापन आशा डायरी के आधार पर सहयोगियों के सत्यापन के उपरांत दिया जाएगा। आशा बहनों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्देश देता हूँ। हर साल इसमें 1000 की वृद्धि भी की जाएगी। आशा ऊषा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को सेवानिवृत्ति के बाद 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। आशा ऊषा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को 5 लाख तक का चिकित्सा और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। अब मेरी बहनों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी कर्मचारियों का हर साल महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन मेरी आशा ऊषा बहनों के मानदेय में कोई वार्षिक वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं था। इसके लिए बहनों को धरना प्रदर्शन करने पड़ते थे, इसलिए हमने तय किया है कि हम इस प्रावधान को बदल देंगे। इसके मानदेय में हर साल 1000 मासिक यानी कि 12000 साल की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। ये अपने आप होगी। आज के बाद मेरी आशा ऊषा बहनों को कोई धरना प्रदर्शन करना नहीं पड़ेगा।